हेलो गाइस, दिस इज स्टार फ्रैग एंटरटेनमेंट ब्लॉग। निकले हैं अपने दोस्त लोगों के साथ जंगल में मंगल करने के लिए। चल रहे हैं, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत खराब है, बहुत जाना पड़ रहा है यार। Light me up with a bright smile on now. Put me in the dark, I won't get lost now. To the moonlight, I see you, Maria, right now. গাইজ, বহুত ধুনীয়া এটা জেগা দেখিছে। এফালে বেলি আছে, ওপৰফালে আৰু এইফালে দেখিছোঁ ধুনীয়া। তো এইফালে বহুত দিনৰ আগত আহিছিলোঁ, এতিয়া বহুত বেলেগ দেখিছোঁ এইফালে। আৰু আমি ইফালে হৈ পইণ্ট যাব লাগিছে, কিন্তু আহিলোঁ ইফালে তলেদি, ইফালে দি আহিলোঁ। এইফালে এফালে বহুত জংঘল, এইফালে যামগৈ, এইফালে নাযাওঁগৈ, এইফালে ডুবিব লাগিব। তো আমি এইফালে গোটেই আহি দিছোঁ আগফালে, আৰু আগফালে যাম এতিয়া এইফালে। বহুত জংঘল লাগিব, গোটেই হাবি। আগতে আমি ইমান হাবি নাছিলে, কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা হাবি হৈছে। হাবি মানে বহুত বেছি হাবি আৰু। এতিয়া ইয়াত বাঘ এটা খাই পেলালেও আমি কোনো ক'ব নোৱাৰে এনেকুৱা হাবি। এইফালে আহিলে মানে অকণমান জুম হৈ আহিলে ভাল, সৰহকৈ আহিলে ভাল, মানে কম মানুহ আহিলে ভয় এটা থাকে। এতিয়া আমি এমেজনৰ জংঘলত অহা কথা লাগিছে, আৰু মেৰা ডিহাইড্ৰেশ্যন কাৰ থোৰা চা প্ৰব্লেম হৈ ৰহা হে। তো মুজে কুচ খানা পৰেগা, অৰ্ধেক ৰাখে ইহঁতে কণ চা কিৰা মকৰা মিলতা হে। যো মুজে খানি গেলি, মুজে নেহি মে খানি গেলি। और गाइस यहाँ पे काम चल रहा है, बड़ा बड़ा सर चंपर और क्या बोलता है वो, खोकलिंग फोकलिंग बोलता है, वो वाला काम चल रहा है यहाँ पे। और देख सकते हो कितना ज़रा यहाँ पे घास बोन है, बहुत ज़रा, मतलब पूरा का पूरा ये जंगल बहुत ही डरावना सा है गाइस। इतना डरावना सा गाइस कि मैं बोल बोल के थक गया हूँ, लेकिन डर के नहीं थका हूँ। तो उड़ी बाबा, और यहाँ पे बहुत ऊसे पाजे मैंने अलमान क्या बोलता है, थोड़ा टोल होता है, थोड़ा क्या बोलता है नीचे का थोड़ा सा सपोर्ट है, थोड़ा सा ऊँचा होता है, थोड़ा सा सपोर्ट है, मतलब इस तरह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ सब ये क्या है बोन यार, इसका पत्ता थोड़ा सा अलग है। अरे काट लिया रे बाबा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर एक टाइगर भी होगा ना तो हम उसे पहचान नहीं पाएंगे, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा मतलब जंगल है गाइस, पूरा जंगल। और यहाँ पे कोई हमारा मंगल कर देगा तो तभी हमें पता नहीं चलेगा गाइस, किसको पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ पे पैदल जाने के लिए बहुत थकान होता है गाइस, और इतना ज़्यादा थकान के वो हटाने के लिए कुछ खाना पड़ेगा। देखता है यहाँ पे क्या मिला है। अरे बाबा यहाँ पे कुछ मिला है, वाह कांटा लगा वाला ये पेड़ है, इसमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। और खाने के लिए कुछ अलग सा ढूंढना पड़ेगा अभी। और गाइस यहाँ पे देख सकते, इसको तो नहीं खा सकता, तो कुछ तो खाना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं तो। उड़ी बाबा बहुत ज़्यादा धूप है, इसको लगाना पड़ेगा। हाँ ओ बाबा वहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा धूप, उड़ी बाबा देखो इतना ज़्यादा जंगल है यार। ओ तेरी, हाँ ये तेरी इतना जंगल। मेरा दोस्त लोग तो बहुत थक गया है, लाइन लाइन बना के हम आ रहा है, क्योंकि लाइन बना के जाने से अच्छा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है मतलब। तो वहाँ पर थोड़ा फोकलिंग का काम चल रहा है, वहाँ पे कुछ खुदाई उदाई कर रहा है गाइस। और यहाँ पे नीलाजी बन भी है जो फूलता है, बहुत सुंदर सा। और हमारे यहाँ पे जो फोर व्हीलर है उनको यहाँ पे पार्क किया था, फोर व्हीलर, ये दो व्हीलर, ये दो व्हीलर, मतलब फोर व्हीलर यहाँ पे पार्क किया हुआ है। तो अभी सोच रहा है हम कुछ खाएंगे पियेंगे, कुछ नहाएंगे, नहाएंगे नहीं यार, कुछ निकालेंगे। तो अभी यहाँ पे हम बिस्कुट पार्टी करेंगे, क्योंकि बहुत दूर से आया है ना तो भूख लगा है। तो अभी अभी यहाँ पे बिस्कुट पार्टी करेंगे, तो रुको हम निकलता है, हमारा इस कबर खाना से निकालेगा अपना बिस्कुट पार्टी के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लिया है बाबा, ले आया था गाइस बिस्कुट पार्टी देने के लिए। देखने कुछ है लेकिन मेरे वैसे बिस्कुट पार्टी खोलेगा अभी यहाँ पे जंगल में,
वो जाएगा पूरा काम पूरा मांगा तो क्या पानी आनी तो यहाँ पे और कुछ लोग तो है पर यहाँ पे काम कर रहा है लेकिन उनको नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि हमारे पास बहुत कम ज़रा सामान है नहीं तो नहीं खाएगा तो डिहाइड्रेशन क्या प्रॉब्लम होता है ना वो तो हो जाएगा पानी नहीं पियाएगा तो भी मर जाएगा तो इसलिए हमको खाना पड़ेगा और मेरा दोस्त भी पूरा आराम से बैठ लिया है खाने के लिए बहुत लुभिया मानू है ये लोग और इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा जगह लेके बैठ लिया है क्योंकि मुझसे छीन लेगा नहीं तो नहीं देगा तो देना पड़ेगा इनको भाल से माने ओ माय गॉड ये तो घर से टिफिन बना के ले आया है यहाँ पे उसको पता था जंगल में कुछ मिलेगा नहीं इसलिए इसने खुद घर में बना के आया है कुछ तो सबसे पहले इसको थोड़ा फिटा करना पड़ेगा इसका लेकिन फिटा तो नहीं इसलिए इसको फाड़ना पड़ेगा इसको फाड़ लिया है अभी निकल रहा है वो तेरी बहुत सुंदर सा बिस्किट है ये तो बहुत मजा आने वाला था लेकिन इसने सबसे पहले बोनी को डाला यार छीन के खा डाला अभी मुझे इससे पहले कोई और छीनी खा लेना चाहिए एक को और तुम लोग भी भाई एक एक ठो ले लो ज़्यादा मत लेना ओ तेरी इसको खोलना पड़ेगा तो अभी हमारा ये मुकुट खुलता है उसके बाद हम थोड़ा सा खाने में बिजी होता है अरे ठीक से लो गिर जाएगा और हम खा रहा है इसको मुझसे निकल भी जाता है कभी कभार ठीक से नहीं खाता है ओ माय गॉड ये भी खा रहा है ये ए उठा लिया रे बाबा मेरे को नहीं बिस्कुट को अभी ये खा रहा है खा रहा है सबसे ज्यादा तो ये खाएगा जैसा लग रहा है इसका खाने का मूड ही कुछ अलग सा है उलूक सा अलग सा नहीं इसका तो हर रोज अलग से ही होता है ये सब नौटंकी करने के पहले इसको खाने के लिए पैदा हुआ है গণর হ্যাঁ আছে গায়ব কর ডালা মারব मुझे इस पे पूरा का पूरा शौक है इसको जाता है इस पे क्योंकि सबसे ज्यादा छिनके खाने वालों में से तो यही है जो एक मिनट में 200 पैकेट बिस्कुट खा सकता है लेकिन अभी तो लाया नहीं ना इधर तो क्या करेगा तो गाइस अभी हमारा बिस्कुट पार्टी खत्म हो चुका है अभी थोड़ा पानी का पोटल का पार्टी होगा और अभी ये पी रहा है उसके बाद मैं पीने वाला हूँ तो अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं खाना पीना सब तो हो गया है और अभी थोड़ा सा ये भी होने वाला है हो गया है सब कुछ और हम अभी यहाँ से निकलने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ पसा घुसा नहीं है यार यहाँ पे इतना ज्यादा जंगल है ना तो इसको हम छोड़ के अभी आगे जाएगा आगे देखता है क्या मिलता है आप लोगों को दिखाता है और अच्छा नहीं लग रहा है ये जो नमूने लोग है ना इनको भी हम दिखाएगा क्या नमूनागिरी करता है और नेक्स्ट टाइम इनको हम नहीं